दफा इधर कर लियो, बस इसके साथ एक दफा इस तरफ कर देंगे। ये देखिए, इसमें ये जो बन रही है ना, इससे वैसे क्रिस्पी पान आएगा और लेयर्स बन जाएंगी। बस इस तरह से घुमाते जाएं, देखिए कितना आसान है। ये बहुत सख्त गर्म है, सो मैं इसे कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। आज मैं आपसे ये चाइनीज पाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये हॉट स्पेशलिस्ट डॉक्टर निदा ने शेयर की है। डॉक्टर निदा तो अपनी टफ रूटीन की वजह से नहीं आ सकी, अलबत्ता उनके बेटे मुस्तफा शाह की पिक मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दे, साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दे। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। डो बनाने के लिए 2 कप इस तरह से भर के मैदा लिया है, आधे चाय के चम्मच इसमें नमक जाएगा। इसमें हमें डो सख्त चाहिए, सो पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में शामिल करेंगे। आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी लगा है और डो इस फॉर्म में आ गई है। अब हम मजीद पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे। एक बाउल में इस तरह से पानी लिया है, हाथों को सिर्फ इसमें इस तरह से गीला कर लेंगे और इसे गूंथते जाएंगे। इससे मैदे में लचक पैदा होगी जो कि हमें चाहिए। तकरीबन 3 मिनट तक इसी तरह गूंदेंगे। देखिए इसको इस तरह से होना चाहिए, गीले पानी का इस तरह से हाथ लगा देंगे, इसे कवर करके तकरीबन आधा घंटा रखेंगे। इसके लिए 250 ग्राम बीफ या मटन का गोश्त लिया है, ये बोनलेस है। अगर आपको कीमा मिल जाए ये तो बहुत ही अच्छी बात है। गोश्त को चॉपर मशीन में शिफ्ट कर देंगे। हीट को ऑन कर लिए, इसमें 3 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल जाएगा। लहसुन अदरक इसमें ज्यादा मिकदार में जाता है, सो 1 खाने वाला चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। 2 से 3 मिनट तक लाजमी इसे भून लेंगे, लाइट गोल्डन कलर आने देंगे ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए, वरना खानों में 2 आउट इसकी स्मेल रह जाती है। इस पे लाइट गोल्डन कलर आ गया, सो कीमे को शामिल कर देंगे। एक दफा इस सबको अच्छी तरह से मिक्सअप करते हैं, उसके बाद इसमें स्पाइसीज ऐड करेंगे। नमक इसमें आधी चाय की चम्मच आएगा, क्योंकि हम इसमें मुख्तलिफ सॉसेस भी शामिल करेंगे, सो नमक नॉर्मल ही रखेंगे। फ्रेश ग्राइंड काली मिर्च इसमें 1 चाय की चम्मच भर के डालेंगे। कीमे को भूनते तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं, देखिए इसका पानी ख़त्म हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है, सो इस स्टेज पे हम कुछ सॉसेस इसमें शामिल करेंगे। सोया सॉस 2 खाने वाले चम्मच, सिरका 1 खाने वाला चम्मच, हॉट सॉस या चिली सॉस इसमें 3 खाने वाले चम्मच जाएंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्सअप कर लेंगे। देखिए साथ साथ कीमे की भुनाई होगी, इसके साथ ही मसाले भी अच्छी तरह से भुन गए हैं, सो अब कीमे को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करते हैं। 400 ml इसमें पानी चाहिएगा, कुछ चीज़ों को हम बाद में शामिल करेंगे, सो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई भी अहम पॉइंट आपसे मिस ना होने पाए। ही बॉइलिंग पॉइंट पे आ गए, सो इसे ढक्कन से कवर कर देंगे, हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। 25 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। इसका पानी खुश्क हो गया है और कीमा बहुत अच्छी तरह से गल गया है, सो इसी स्टेज पे हम एक स्पेशल चीज़ शामिल करेंगे। जी हाँ, हरे प्याज इसमें 1/2 कप की मिकदार में जाएगा। ऑरेगानो, थाइम या मिक्सअप जो भी आपके पास हो, 1 चाय की चम्मच इसमें शामिल कर दें। जी और सबसे लास्ट में 1 खाने वाला चम्मच भर के इसमें मैदा जाएगा। 2-3 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इससे एक तो मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, दूसरी सारी जो फीलिंग है वो एक बाइंड पोजीशन में आ जाएगी। आप इसके लिए चिकन, बीफ या मटन, आपको जो भी पसंद हो उसका कीमा ले सकते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं, इसमें 1/2 कप दूध शामिल कर देंगे। बस अब इसको इतना पकाना है कि दूध बिल्कुल खुश्क हो जाए। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही देखें कितनी अच्छी बाइंड पोजिशन में आ गया है। 2 हरी मिर्च को बारीक कटिंग करके डाल देंगे। दूध की नमी को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल लो हीट पे इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसमें जो भी दूध की नमी है वो ख़त्म हो जाए और पाई या कचौरी हम जो भी बनाएं वो बहुत ही हंसता रहे। हीट ऑफ करने के बाद फिलिंग को इस तरह से फैला देंगे ताकि पैन की गर्माइश से मजीद किसी किस्म की कोई भी नमी रह गई है वो भी खुश्क हो जाए। 30 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा सा मैदा टेस्ट कर देंगे। इस तरह से पीसेस कर लेंगे ताकि एक जैसी पाई बने। पाई तैयार करने के लिए इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं जाएगा, यानी मैदा डस्ट नहीं करना। घी या बटर से इस तरह से ब्रश कर लेंगे। इसके ऊपर की सतह को भी ग्रीस कर देंगे, थोड़ा सा इस तरह से हाथों से फैला देंगे।
इसमें अहम बात कि हमने इसे लंबाई में ही बेलना है, ज्यादा इसे चौड़ाई में नहीं बेलना। इसकी ऊपर की सतह पे भी घी या मेल्टेड मक्खन लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा सा फाइन फ्लावर इस पे डस्ट कर देंगे, इससे पाई में क्रिस्पी बन आएगा। फिलिंग को हाथों में लेंगे और बॉल की शेप दे देंगे। फिलिंग को इस तरह से सिरे पे रखेंगे, इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस जस्ट इस तरह से रोल करते जाना है, इस तरफ और एक तरफ उस तरफ हम इसे रोल करते जाएंगे। देखिए इस तरह से एक दफ़ा इधर कर लिया, बस इसके साथ एक दफ़ा इस तरफ कर देंगे। ये देखिए इसमें ये जो बन रही है ना, इससे वजह से क्रिस्पी पन आएगा और लेयर्स बन जाएंगी। बस इस तरह से घुमाते जाएं, देखिए कितना आसान है। हल्का सा खींच लेंगे, इस तरह से घुमाते जाएंगे, हल्का सा इस तरह से करेंगे और बस यूं करते जाएंगे। देखा कितना आसान है। लास्ट में इस तरह से इसको पकड़ के खींचेंगे, बस ये लास्ट वाला सीन बहुत ही अहम है। बस इसको खींचते हुए यहाँ तक ले आएंगे। अब हमने क्या करना है, देखिए ऊपर आपको लेयर्स नजर आ रही होंगी, इसी को रखते हुए हमने हल्के से हाथे से नीचे की तरफ प्रेस करना है। ये देखिए ये जो ऊपर लेयर्स नजर आ रही थी, इसे सेंटर में होना चाहिए, जब हम फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से खिल जाएंगी। है ना कितने मजे की ट्रिक। मजीद इसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे जी, ठीक है। बैक साइड से भी आपको इसकी लेयर्स दिखा देती हूँ, देखिए इस तरह से है। ये देखिए ये जो लास्ट में सिरा होगा ना, मैं आपको फिर से बताती हूँ, इसको यूं खींचते हुए हमने ले आना है, जिस कदर जहाँ तक भी आ जाए खींचा जाए ना, ठीक है। अब ये जो ऊपर लेयर्स बनी हुई है, इसको इस तरह से रखना है, हल्के से हाथ से प्रेस कर देंगे। देखिए कितना आसान है। अब आप चाहे तो इस तरह लेंथ वाइज इसे कर दें, फैला दें, और चाहे तो इसे गोलाई में बना लें, ये आपकी मर्जी है। पाई को फ्राई करते हुए स्पेशल टेम्परेचर हम सेट करेंगे 2 मिनट तक। मीडियम लो हीट पे गर्म कर लिया, इसके साथ ही हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। पाई को फ्राई कर लेंगे। पाई को फ्राई करने का सीन बहुत ही अहम है, इसी से इसमें क्रिस्पी पान आएगा। सो ये आपने सीन ज़रूर देखना है। हीट में आपको दिखा देती हूँ, देखें हीट इस तरह से बिल्कुल लो रखेंगे, जिस तरह चावल को दम देते हुए हीट रखी जाती है। बिल्कुल लो हीट पर फ्राई होते हुए पाई को 8 मिनट हो चुके हैं, इसे टर्न करके कलर देख लेते हैं। ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है इन पर, अच्छे से गोल्डन कलर आ गया, इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार चाइनीज पाई तैयार है। इसके साथ ही जनाब, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। दुआओं में याद रखें, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।